वेलकम टू एग्रीकल्चर पीडिया। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं टॉपिक कवर अप करूंगी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, पीएच और बफर। इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको सिलेबस और स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री डिटेल में बताया था। So friends, biochemistry is the branch of science that explores the chemical processes within and related to living organisms. यानी कि biochemistry science की वो शाखा है जिसमें हम जितने भी chemical processes होते हैं living organisms में उसकी study करते हैं। और basically हम लोग, अगर मैं biomolecules की बात करती हूँ जो कि organic in nature होते हैं, तो चार biomolecules को हम study करते हैं जो कि carbohydrates, proteins, lipids और nucleic acids हैं। ये जितने भी biomolecules हैं, इन सब के monomers जब link हो करके पॉलीमर बनाते हैं या फिर पॉलीमर्स टूट करके मोनोमर्स बनाते हैं, तो या तो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है या फिर हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी का रिमूव हो जाना और हाइड्रेशन मतलब पानी का जुड़ जाना। तो आप समझ सकते हैं कि पानी की कितनी इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, जब हम बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, तो वो पानी के बिना नहीं हो सकती हैं। तो आज के वीडियो में सबसे पहला जो टॉपिक मैं कवर अप करने वाली हूँ वो है पानी, यानी कि वाटर, या फिर हम अगर हम केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो H2O। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की अगर शुरुआत करते हैं डिस्कस करने को, तो पानी एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। पोलर मतलब हुआ कि उसके दो एंड्स पे पोलारिटी अलग अलग होती है इन चार्ज, और ये पोलारिटी जो होती है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने में हेल्प करती है। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है पानी की, जिसकी वजह से इसकी बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टीज आगे आती हैं, जैसे कि रिलेटिवली हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई स्पेसिफिक हीट, कोहेजन, अधेशन और डेंसिटी। पानी इनऑर्गेनिक पोलर कंपाउंड होता है रूम टेम्परेचर पे, और ये टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और नियरली कलरलेस होता है विद अ इनहेरेंट हिंट ऑफ ब्लू। अब ये ब्लू कलर क्यों देता है ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगी। सो इट इज बाय फार द मोस्ट स्टडीड केमिकल कंपाउंड, और इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट और सॉल्वेंट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। दो मॉलिक्यूल्स को छोड़ करके तीसरा मॉलिक्यूल होता है जो कि इट इज द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन यूनिवर्स। वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस ऑन अर्थ एंड द ओनली कॉमन सब्सटेंस टू एग्जिस्ट एज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑन अर्थ सर्फेस। एंड इट इज ऑल्सो द थर्ड मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन द यूनिवर्स। और पहले दो जो अबंडेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं यूनिवर्स में, वो होते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों, वाटर एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। एम्फोटेरिक मतलब होता है दैट इट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एसिड एंड बेस। यानी जब पानी सेल्फ आयोनाइज हो जाता है तो हाइड्रोजन आयन्स यानी H+ आयन्स और OH- आयन्स में टूट जाता है। इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इट एक्ट्स एज अ वेरी गुड सॉल्वेंट फॉर बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस। और ये जो प्रॉपर्टी है ये इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सब एंजाइम्स के द्वारा ही गवर्न होती हैं, और जितनी भी एंजाइम्स हैं वो ज़्यादातर प्रोटीनेशियस इन नेचर होती हैं, और या तो उनको एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम रिक्वायर्ड होता है काम करने के लिए। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, तो इस प्रॉपर्टी की वजह से जितने भी सॉल्ट्स होते हैं आपकी बॉडी में वो आयोनाइज हो जाते हैं, और यही वो प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से पानी जितने भी पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनके साथ मिसिबल सॉल्यूशन तैयार कर देता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है विच इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि एक बहुत ही ज्यादा
पॉइंट है, अगर मैं मोलर मास के रिलेशन में बात करती हूं तो दोस्तों मोलर मास क्या होता है? मोलर मास आपके एक किसी भी कंपाउंड में जितने भी एटम्स होते हैं अगर उसका एटॉमिक मास को जोड़ दिया जाए तो हमें मोलर मास मिल जाएगा। तो पानी का मोलर मास होता है 18 ग्राम्स पर मोल। और ये आया कैसे? वाटर जो होता है उसके अंदर दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है। दो हाइड्रोजन एटम्स का एटॉमिक मास होता है 2 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें 18 का फिगर मिल जाएगा। सिमिलरली पानी की बहुत ज्यादा हाई हीट कैपेसिटी होती है एंड हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू हीट 1 ग्राम ऑफ एनी कंपाउंड बाय 1 डिग्री। तो पानी की हीट कैपेसिटी 4.18 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है। जो लिक्विड फेज होता है वाटर का, दैट इज द मोस्ट कॉमन फेज विच इज प्रेजेंट ऑन अर्थ। लेकिन जो सॉलिड फेज है वाटर का, विच इज नोन एज आइस, और बहुत ही कॉमनली एक हार्ड अमालगमेटेड क्रिस्टल्स के फॉर्म में रहता है। अगर हम आइस क्यूब्स की बात करें या फिर लूजली एक्यूमुलेटेड ग्रैन्युलर क्रिस्टल्स की बात करें तो स्नो फॉर्म में रहता है। और गैशियस फेज ऑफ वाटर जो है उसको हम स्टीम कहते हैं या भाप कहते हैं या वाटर वेपर कहते हैं। तो विजल स्टीम जो है और क्लाउड्स जो हैं दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम माइन्यूट ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच आर सस्पेंडेड इन द एयर। पानी एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड भी होता है और मैं भी आपको बताऊंगी ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का क्या मतलब होता है। तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 649.47 K और इसका जो क्रिटिकल प्रेशर होता है 22.064 MPa। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड इज एनी सब्सटेंस एट अ टेम्परेचर एंड प्रेशर अबाउ इट्स क्रिटिकल पॉइंट। अब ये क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं टेम्परेचर और प्रेशर के लिए, वो भी मैं भी आपको बताऊंगी। और ये जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर का, वहां पे डिस्टिंक्ट लिक्विड और गैशियस फेज दे डू नॉट एग्जिस्ट, बट बिलो द प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस इट इंटू अ सॉलिड। और जो ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स होते हैं दे आर मच सुपीरियर टू गैसेस इन देयर अबिलिटी टू डिजोल्व मटेरियल्स लाइक लिक्विड्स और सॉलिड्स। और दो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होते हैं जो हमारी धरती पर पाए जाते हैं बहुत ही कॉमनली, एंड दे आर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम बात करेंगे कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज द हाइएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर वैल्यू एट विच द सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। यानी उस क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर उस सब्सटेंस का लिक्विड फेज आपको नहीं मिलेगा। इसी तरीके से द क्रिटिकल प्रेशर इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड एट द क्रिटिकल टेम्परेचर अबाउ विच लिक्विड डिस्टिंक्ट लिक्विड एंड गैशियस फेज डू नॉट एग्जिस्ट। लेट्स डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे डेंसिटी, कलर, हार्डनेस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, जिसके अंदर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज टू हाइड्रोजन एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड टू अ सिंगल ऑक्सीजन एटम। और मैंने आपसे बताया था कि मैं डिस्कस करूंगी कि पानी में एक ब्लूइश टिंच क्यों आता है, क्योंकि देखिए जब भी कोई सब्सटेंस किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक दूसरी वेवलेंथ के कलर को वो रिफ्लेक्ट करता है। और पानी जो है वो अराउंड 750 नैनोमीटर की वेवलेंथ यानी कि ऑरेंज को एब्जॉर्ब करता है, जो कि 750 नैनोमीटर होती है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो जो कलर रिफ्लेक्ट करता है दैट इज ब्लू कलर। और इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर आप कोई भी वॉश बेसिन की लाइनिंग देखते हैं जो कि वाइट इन कलर होती है, या फिर कोई वाटर फिल्ड बाथ अगर तब आप देखते हैं जिसकी लाइनिंग वाइट होती है, या फिर आप लार्ज आइस क्रिस्टल्स को ऑब्जर्व करें ग्लेशियर्स में, उन सब का कलर जो है वो ब्लूइश टिंज लिए हुए होता है। वाटर इज प्राइमरीली लिक्विड इन नेचर रूम टेम्परेचर पे।
अनलाइक अदर एनालॉग्स हाइड्राइड्स ऑफ द ऑक्सीजन फैमिली, जैसे कि अगर मैं सल्फर की बात करती हूँ, तो जो H2S है वो गैशियस फॉर्म में मिलेगा बजाय वाटर फॉर्म के, और यही वो प्रॉपर्टी है विच मेक्स इट इंटीग्रल टू लाइफ। अब हम बात करेंगे लेटेंट हीट की। तो लेटेंट हीट को अगर मैं हिंदी में रूपांतरित करती हूँ तो उसका मतलब होता है छुपी हुई हीट, एंड इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है टू मेल्ट आइस एज टू वार्म आइस फ्रॉम -160 डिग्री सेंटीग्रेड अप टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट, या फिर ये वही अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसे किसी भी सेम अमाउंट ऑफ वाटर को हीट करने के लिए आपको रिक्वायर होती है बाय अबाउट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो वाटर की लेटेंट हीट होती है उसको हम स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं, एंड दैट इज 333.55 किलो जूल्स पर केजी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो लेटेंट हीट इतनी हाई है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि ये वो प्रॉपर्टी है जो कि आइस को रैपिडली या स्पीडीली मेल्ट करने के लिए रेजिस्ट करती है, एंड दिस इज वेरी क्रूशियल टू मैनकाइंड एज मोस्ट ऑफ द पोलर रीजन हैज बिग ग्लेशियर्स जो कि बहुत फास्ट स्पीड पे मेल्ट नहीं होते हैं इस प्रॉपर्टी की वजह से। अदरवाइज हमारा जितना भी लैंड एरिया है जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, दैट वुड हैव सबमर्ज्ड इन वाटर। अब हम बात करेंगे पानी की डेंसिटी की। तो पानी एक बहुत ही एनोमलस बिहेवियर दिखाता है जहां तक डेंसिटी का रिलेशन आता है, बिकॉज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, और हम ये सब जानते हैं कि जैसे ही कोई भी सब्सटेंस लिक्विड से सॉलिड फेज में कन्वर्ट होता है उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, और जैसे ही वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी को बढ़ जाना चाहिए। लेकिन ये भी हम सब लोग जानते हैं कि आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है, और इसीलिए जो बर्फ होती है वो पानी के ऊपर तैरती है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज अबाउट 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ये जो डेंसिटी है पानी की, इट वेरीज विद टेम्परेचर, लेकिन लीनियर वेरिएशन नहीं होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है द डेंसिटी राइजेस टू अ पीक एट 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके बाद वो अचानक से डिक्रीज करने लग जाती है, और यही वो प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही अनयूजुअल होती है। तो पानी अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करती हूँ तो बॉइलिंग पॉइंट के आसपास भी पानी 4% लेस डेंस होता है देन द वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो अनोमलस बिहेवियर होता है पानी का डेंसिटी के रिलेशन में, इट हेल्प्स द आइस टू फ्लोट ऑन लिक्विड वाटर विच हेल्प्स ऑल द एक्वेटिक लाइफ टू सर्वाइव एट पोलर रीजन्स। दोस्तों, मिसिबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन के साथ कितना घुल मिल जाता है, या कोई भी सॉल्वेंट दूसरे सॉल्वेंट के साथ कितना घुल मिल जाता है। तो वाटर इज मिसिबल विद मेनी लिक्विड्स इंक्लूडिंग इथेनॉल इन ऑल प्रपोर्शंस, क्योंकि इथेनॉल भी एक पोलर सॉल्वेंट होता है और पानी भी एक पोलर सॉल्वेंट होता है। लेकिन पानी उन सभी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के साथ इमिसिबल बिहेवियर शो करता है, जैसे ऑयल्स जो कि नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, दोस्तों ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वो टेम्परेचर और प्रेशर होता है जिस पर ऑर्डिनरीली सॉलिड लिक्विड और गैशियस वाटर को एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम फॉर्म में। तो सिंस 1954 दिस पॉइंट हैज बीन यूज्ड टू डिफाइन द बेस यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन, लेकिन 2019 की शुरुआत से केल्विन इज नाउ डिफाइंड यूजिंग द बोल्ट्समैन कॉन्स्टेंट रादर देन द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। मेल्टिंग पॉइंट जो है आइस का वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एट स्टैंडर्ड प्रेशर, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर
173 डिग्री केल्विन से भी डिनोट कर सकते हैं। वहीं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो जो प्योर वाटर होता है, चूंकि उसमें कोई भी एक्सोजीनस आयंस नहीं होते हैं, देन इट एक्ट्स एज एक्सेलेंट इंसुलेटर। लेकिन अगर जो पानी ऑटो आयनाइजेशन के अंतर्गत अगर लिक्विड फेज में प्रेजेंट है, जहां पे टू वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म वन हाइड्रोक्साइड आयंस यानी कि OH माइनस और वन हाइड्रोनियम आयन कैटायन जिसको हम H3O प्लस भी कहते हैं, तो ऐसा जो पानी होता है दैट इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। और क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट ऑल सॉल्यूट्स डिजॉल्व इन इट, और ज़्यादातर जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो सब इसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, और बहुत ही अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये प्रोवाइड करता है। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, जिसके अंदर पीएच वैल्यू या फिर रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके या फिर केमिकल स्टेबिलिटी के मैं बात करूंगी, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज बताऊंगी जो पानी के यूनिक प्रॉपर्टीज के अंतर्गत बायोलॉजिकल वर्ल्ड के लिए बहुत ही क्रूशियल होती हैं। तो जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि लिक्विड वाटर जो होता है जब वो सेल्फ डिसोसिएट हो जाता है तो H3O प्लस आयंस और OH माइनस आयंस को प्रोड्यूस करता है, और एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इस रिएक्शन के लिए जिसको हम आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी कहते हैं, और हम उसको KW से डिनोट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10^-14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सो देयरफॉर एट न्यूट्रल पीएच जो कि होता है 7, उस वक्त द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस यानी कि OH माइनस आयंस इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस यानी कि H प्लस आयन। तो देयरफॉर अगर हम 14 को डिवाइड करें तो न्यूट्रल पीएच पे 7 OH माइनस आयंस प्रेजेंट होते हैं और 7 ही हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं। फ्रेंड्स, जियोकेमिस्ट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम पानी की बात करते हैं रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो ये सभी जानते हैं कि जितने भी पहाड़ होते हैं वो ही घिस करके सॉइल बनाते हैं, तो जो भी एक्शन होता है वाटर का रॉक्स के ऊपर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, टिपिकली जो रॉक्स होते हैं उनको वेदर कर देता है, यानी कि धीरे धीरे वो टूट जाते हैं और वाटर इरोजन और दूसरे फिजिकल प्रोसेसेस की हेल्प से जो सॉलिड रॉक्स और मिनरल्स हैं दे कन्वर्ट इनटू सॉइल एंड सेडिमेंट्स। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं केमिकल रिएक्शंस की जिसमें वाटर जो है इन सॉल्ट्स के साथ केमिकली रिएक्ट कर जाता है और ये रिजल्ट करता है मेटासोमेटिज्म में या फिर मिनरल हाइड्रेशन में, एंड इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल ऑल्टरेशन ऑफ अ रॉक which produces clay minerals. Water ice जो है it also forms clathrate compounds जिनको हम clathrate hydrates भी कहते हैं, और ये जितने भी clathrate hydrates होते हैं they have a very variety of small molecules that can be embedded in its spacious crystal lattice. और most notable इसके अंदर जो हाइड्रेट्स हैं वो होते हैं मीथेन क्लैथरेट्स, जो कि नेचुरली दे आर फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज ऑन द ओशन फ्लोर। जो बारिश का पानी होता है दैट इज जनरली माइल्डली एसिडिक इन नेचर और उसका पीएच होता है बिटवीन 5.2 to 5.8। अगर उसमें बहुत ज्यादा हम हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली भी होती है तो लगभग इतना पीएच होता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इसमें घुल मिल जाती है तो और ज्यादा एसिडिटी उसमें आ जाती है। लेकिन वहीं अगर हाई अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड्स भी प्रेजेंट होते हैं हवा में, तो अगर ये भी मिल जाते हैं तो जो वाटर है बहुत ज्यादा एसिडिक इन नेचर हो जाता है, और तब जो बारिश होती है हम उसको कहते हैं एसिड रेन्स। Now we'll discuss about the polarity and hydrogen bonding in detail. तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो पानी का स्ट्रक्चर होता है उसमें एक सिरे पर ऑक्सीजन एटम होता है और उसके नीचे दो सिरों पर दो हाइड्रोजन एटम्स बेंट जियोमेट्री के साथ जुड़े होते हैं। ये जो ऑक्सीजन एटम है इसके पास
टू लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती है और यहीं से एक बॉन्ड डाइपोल मोमेंट जो है वो हाइड्रोजन आयंस की तरफ क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव बन जाते हैं। अब ये जो चार्ज डिफरेंसेस होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, दे हेल्प टू एग्रीगेट, यानी कि एक दूसरे से जुड़ने में ये मदद करते हैं, और इसी अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहते हैं। अभी जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसी की वजह से, ये जो लास्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसी की वजह से वाटर एक्ट्स एज अ वेरी गुड हीट स्टोरेज मीडियम, यानी कि हम इसको कूलेंट के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जिनमें सेंट्रलाइज्ड कूलिंग सिस्टम होता है, तो वहां पे जो कूलेंट का काम होता है वो पानी बहुत ही बखूबी निभाता है, सिर्फ इस प्रॉपर्टी की वजह से। नाउ वील टॉक अबाउट कोहेजन एंड अधेशन। पानी के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास रहने की कोशिश करते हैं, जिस प्रॉपर्टी को हम कोहेजन कहते हैं, एंड दिस इज ड्यू टू द कलेक्टिव एक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ये कॉन्स्टेंटली ब्रेक होते रहते हैं, नए बॉन्ड्स बनते रहते हैं डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, लेकिन एट एनी गिवन टाइम इन अ सैम्पल ऑफ लिक्विड वाटर जो लार्ज प्रपोर्शन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, दे आर हेल्ड टूगेदर बाय सच बॉन्ड्स। वाटर में बहुत ही हाई एडिशन प्रॉपर्टीज भी होती हैं बिकॉज ऑफ इट्स पोलर नेचर, और अगर आप एक्सट्रीमली स्मूद या क्लीन ग्लास लेंगे और उस पर आप पानी अगर डालेंगे या रखेंगे उसके अंदर, तो पानी की एक बहुत ही छोटी सी फिल्म बन जाती है बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन ग्लास एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, और इसी को हम एडहेसिव फोर्सेस भी कहते हैं। तो ये जो एडहेसिव फोर्सेस होते हैं दे आर मच स्ट्रॉन्गर दैन द कोहेसिव फोर्सेस। यानी एडहेसिव फोर्सेस का मतलब है दो अलग अलग कंपाउंड्स के बीच में जो साथ रहने की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे कि ग्लास और वाटर मॉलिक्यूल्स, और कोहेजन मतलब होता है दो डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में साथ रहने की प्रवृत्ति। तो इन बायोलॉजिकल सेल्स एंड ऑर्गेनेल्स वाटर इज इन कॉन्टैक्ट विद मेम्ब्रेन्स विद प्रोटीन सर्फेसिस जो कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती हैं, और वहां पे ये एडहेशन की प्रॉपर्टी बहुत ही कारगर साबित होती है। वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है वो बहुत ही अनयूजुअली हाई होता है, और इसी की वजह से ये भी एक रीजन है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। और आपने देखा होगा, कई बार नोटिस किया होगा कि इंसेक्ट्स आर एबल टू वॉक ऑन वाटर, सो दिस इज वन प्रॉपर्टी, जो ये सरफेस टेंशन इतना हाई होता है वाटर का, इस प्रॉपर्टी की वजह से इंसेक्ट्स कैन वॉक ऑन वाटर। नाउ वील कम टू कैपिलरी एक्शन। चूंकि पानी के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोहेजन और एडहेशन होता है, तो कैपिलरी एक्शन बहुत ज्यादा अच्छा पानी एग्जिबिट करता है। तो स्ट्रॉन्ग कोहेजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, और ये जो एडहेशन है इसके साथ साथ ये दोनों प्रॉपर्टीज मिल करके पानी, आपने देखा होगा कि जो यूकलिप्टस के ट्रीज होते हैं या फिर बहुत लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है वो इन्हीं दो जो आपके फोर्सेस हैं, कोहेजन और एडहेशन फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से कैपिलरी एक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो पानी कैन ट्रैवल मोर देन 100 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। दोस्तों, पानी एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट होता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। जो सब्सटेंसेस पानी में बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम हाइड्रोफिलिक या फिर वाटर लविंग सब्सटेंसेस कहते हैं, जबकि वो सब्सटेंसेस जो पानी में इजीली डिसॉल्व नहीं होते हैं उनको हम हाइड्रोफोबिक या वाटर फियरिंग सब्सटेंस कहते हैं। अब हम बात करेंगे पानी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एब्जॉर्प्शन की। तो वाटर इज रिलेटिवली ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट
विजिबल लाइट में अगर हम बात करें तो हम विग्योर की बात करते हैं, यानी कि वो सात रंग जो कि हमको नेकेड आई से दिखाई देते हैं. सो नियर अल्ट्रावायलेट लाइट और फार रेड लाइट तक रिलेटिवली ट्रांसपेरेंट होता है वाटर, लेकिन ये सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्ब करता है वो करता है अल्ट्रावायलेट लाइट को, इंफ्रारेड लाइट को और माइक्रोवेव्स को. और इसीलिए जितने भी फोटो रिसेप्टर्स होते हैं या फिर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, दे यूटिलाइज द पोर्शन ऑफ द लाइट स्पेक्ट्रम दैट इज ट्रांसमिटेड वेल थ्रू वाटर. और जो माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं, दे टेक द एडवांटेज ऑफ वाटर्स कैपेसिटी टू माइक्रोवेव रेडिएशंस टू हीट द वॉटर इन साइड ऑफ फूड. तो और जो वॉटर का जो लाइट है ब्लू कलर, दैट इज कॉज्ड बाय वीक एब्जॉर्प्शन इन द रेड पार्ट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम. और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो रेड पार्ट में भी जो ऑरेंज कलर है उसको वॉटर सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और इसीलिए वो ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है. नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है पीएच. पीएच को पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं. और ये वो स्केल है विच इज यूज टू स्पेसिफाई द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एनी एक्वस सॉल्यूशन. यानी किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में अगर हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशंस या फिर OH माइनस का कंसंट्रेशन अगर हमें निकालना है तो हम उसका पीएच निकालते हैं. जितना कम पीएच वैल्यू होती है वो कॉरेस्पॉन्ड करती है एसिडिक सॉल्यूशन को, और जबकि हाई पीएच वैल्यूज जो होती हैं दे कॉरेस्पॉन्ड टू सॉल्यूशंस विच आर मोर बेसिक और अल्कलाइन इन नेचर. यानी कि अगर सात पीएच से नीचे की तरफ अगर हम आते हैं, यानी कि 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0, तो वो एसिडिटी बढ़ती हुई होती है. और अगर हम 7 से लेकर 14 की तरफ जाते हैं तो उसमें बेसिसिटी बढ़ती हुई होती है. जो पीएच स्केल होता है दैट इज लॉगरिथमिक इन नेचर एंड इट इज इनवर्सली इट इंडिकेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन. ये वही बात हो गई कि जितना कम पीएच होगा उतना ही ज्यादा हायर कंसंट्रेशन होगा हाइड्रोजन आयंस का और उतनी ही ज्यादा एसिडिटी होगी. सो दिस इज बिकॉज द फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट पीएच अप्रोक्सीमेट्स द नेगेटिव ऑफ द बेस 10 लॉगरिथम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन. क्योंकि हम -1/H+ आयन कंसंट्रेशन करते हैं और इसी की वजह से जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है उतना ही कम पीएच होता है. आपको स्क्रीन पर पीएच मीटर की पिक्स दिखाई दे रही होंगी जिसके अंदर एक ग्लास का इलेक्ट्रोड होता है और एक पीएच मीटर होता है और जो एक कलर चेंजिंग इंडिकेटर होता है उसके साथ में. और जैसे ही पीएच चेंज होता है वैसे ही स्क्रीन पर उसकी रीडिंग आ जाती है. तो जो मेजरमेंट्स होते हैं पीएच के, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री, एग्रोनॉमी, मेडिसिन, वाटर ट्रीटमेंट और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे दूसरे एप्लीकेशंस जहाँ पे जो एसिडिटी और बेसिसिटी की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है. अब हम बात करेंगे बफर्स के बारे में. तो बेसिकली बफर का जो सॉल्यूशन होता है जिसको हम पीएच बफर भी कहते हैं या फिर हाइड्रोजन आयन बफर कहते हैं, ये कोई भी ऐसा लिक्विड सॉल्यूशन यानी एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस होता है या फिर वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड होता है. देखिए जब भी हम कभी कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वी आर रिक्वायर्ड और वी नीड टू एड सम सॉल्ट्स इन इट. क्योंकि जो भी हम सबस्ट्रेट यूज करते हैं वो जब भी किसी सॉल्यूशन में जाता है तो उसका पीएच चेंज कर देता है. लेकिन ऑल टुगेदर हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो कि एक सेट पीएच पर हो पाए, यानी कि पीएच बहुत ज्यादा चेंज ना हो. तो अब ये जो पीएच का चेंज होना होता है उसमें रेजिस्टेंस लाने के लिए हम बफर सॉल्यूशन का यूज करते हैं. तो बहुत सारे बफर सॉल्यूशंस होते हैं विच मिमिक्स द एनवायरनमेंट ऑफ एनी सेल, जैसे कि बाइकार्बोनेट,
बफर्स होते हैं, ट्रिस बफर होता है, फॉस्फेट बफर होता है, और एक बफर ऐसा होता है सॉल्यूशन जो कि बिल्कुल आपके ब्लड को मिमिक करता है, एंड दैट इज फॉस्फेट बफर सलाइन, जिसका पीएच भी बिल्कुल ब्लड की तरह 7.4 ही होता है। तो दोस्तों, कोई भी बफर सॉल्यूशन किस तरीके से पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी बफर सॉल्यूशन जो होता है उसमें एक इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड होता है उसके वीक एसिड एच ए और उसके कॉन्जुगेट बेस ए माइनस में। तो जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें ऐड होता है इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में जो कि वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस के द्वारा बनाया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन्स उसमें ऐड हुए हैं, और जो अब इक्विलिब्रियम होता है वो शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट की तरफ इन अकॉर्डिंग्स टू द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अब ये ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या है मैं अभी आपको थोड़ी सी देर में समझाने वाली हूँ। तो बिकॉज ऑफ दिस द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस बाय लेस देन द अमाउंट एक्सपेक्टेड फॉर द क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एडेड। यानी जितना स्ट्रॉन्ग एसिड एड होने पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ता है, और सिमिलरली अगर स्ट्रॉन्ग एल्कली ऐड किया जाता है इस मिक्सचर में तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन वो भी उतनी मात्रा में डिक्रीज नहीं होता है जितना कि एक्सपेक्टेड होता है। एंड नाउ वील डिस्कस व्हाट इज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। इसको हम ली चैटलियर्स प्रिंसिपल या इक्विलिब्रियम लॉ भी कहते हैं, और एक ऐसा प्रिंसिपल है केमिस्ट्री में जो कि प्रिडिक्ट करता है द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशंस ऑन केमिकल इक्विलिब्रिया। और हम ये कह सकते हैं कि व्हेन एनी सिस्टम एट इक्विलिब्रियम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर और वॉल्यूम और प्रेशर, देन टू थिंग्स हैपन। फर्स्टली द सिस्टम चेंजेस टू अ न्यू इक्विलिब्रियम एंड This change partly counteracts the applied change. तो ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसकी हेल्प से हम बफर सॉल्यूशंस का प्रिंसिपल डिफाइन कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन मिक्सचर होता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। सॉल्यूट यानी जो चीज घोली जा रही है, सॉल्वेंट मतलब जिसमें कोई भी चीज घोली जा रही है। अब जब भी हम बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री की बात करते हैं तो कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जिनको हमें बनाना पड़ता है, वो होते हैं स्टॉक सॉल्यूशंस। यानी कि ज्यादा कंसंट्रेशन में जब हम किसी भी सॉल्यूशन को बना के रख लेते हैं इन ऑर्डर टू सेव टाइम एनर्जी एंड मटेरियल, उसको हम स्टॉक सॉल्यूशन कहते हैं। और जिस सॉल्यूशन को जिस कंसंट्रेशन में हम एक्सपेरिमेंट लगाने के टाइम काम में लेते हैं उसको हम वर्किंग सॉल्यूशन कहते हैं। तो जनरली स्टॉक सॉल्यूशंस जो होते हैं वो कंसंट्रेटेड इन नेचर होते हैं और उनको हम डाइल्यूट करते हैं अपने रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन, जिसको हम वर्किंग सॉल्यूशन कहते हैं। अब ये जो कन्वर्जन होता है स्टॉक सॉल्यूशन को कितना डाइल्यूट करेंगे कि हमें वर्किंग सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसका एक फॉर्मूला होता है जिसे हम N1V1 = N2V2 कहते हैं। यहाँ पे N1 stands for the normality या फिर concentration of the stock solution, और N2 stands for the normality or concentration of the working solution, V1 stands for the volume of stock solution and V2 stands for the volume of working solution। तो इस फॉर्मूले से आप इन चारों में से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आपको बाकी की तीन वैल्यूज दी हुई हूं तो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि पानी इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है बायोकेमिस्ट्री में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पीएच क्या होता है, बफर क्या होता है, बफर सॉल्यूशंस का प्रिंसिपल क्या होता है, और सॉल्यूशंस कितने तरीके के होते हैं, और अगर हमें स्टॉक सॉल्यूशन को वर्किंग में कन्वर्ट करना हो तो कौन से फॉर्मूले का यूज किया जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।